लगता है ये नहा चुकी है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। मुझे बचाइए। तेरे बाप का माल है क्या? ए बॉबी मत कर, मत कर बॉबी, क्या कर रहा है तू, ऐसा मत कर। सुबह सुबह ऐसे ही रोती है। डॉक्टर को कब दिखाना है इसे? ओ ओ चुप हो जाओ। सलाम। ऑटो वाला आता ही होगा, आप ही तो और मुतलिफ को जूते तो पहना दो। नाश्ता तैयार है? चलो जल्दी जल्दी बैग उठाओ, चलो जल्दी चलो। आप लोग भी संभाल के जाओ, अच्छे से जाना। हेलो, सलाम वालेकुम, किससे बात करनी है? आप कौन? हाँ अभी बुलाता हूँ। फरहाना फोन,
कोई जेनी करके है। हेलो फरहाना, जेनी बोल रही हूँ, पैट्रिक स्कूल। हे जेनी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, इंडिया से बाहर थी, बस अभी अभी लौटी हूँ। क्यों? अरे मेरी शादी है ना। ओ। स्कूल के सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर बताना, तुम्हें इनविटेशन सेंड करती हूँ, तुम जरूर आना। सुनो सुनो, तुम बिल्कुल तकलीफ मत उठाओ, मेरे शोहर का नंबर देती हूँ। लेकिन हस्बैंड का नंबर क्यों? मेरे पास मोबाइल नहीं है ना। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? कैसी बात कर रही हो तुम? नहीं, मैं यूज नहीं करती। लेकिन मोबाइल के बिना कैसे? शोहर के नंबर पर व्हाट्सएप है, नोट कर लो नंबर। अच्छा बोलो। क्या हुआ बूस्ट भाई, उस दुकान को क्यों घूर रहे हो? आज से 45 साल पहले वो जगह सिर्फ 4,000 में बिक रही थी। तब तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया था क्योंकि जगह खरीदने के लिए वो कर्जा नहीं लेना चाहते थे। अरे अब दोबारा शुरू मत हो जाता, लिया होता तो मालिक तुम होते। अच्छे केले हैं क्या? बूस्ट भाई सच बोल दिया तो मिर्ची लग गई तुम्हें। आपके पास ब्रांडेड नहीं है? ब्रांड नहीं है क्या सर? नहीं नहीं चाहिए। कितने लोग आए इसलिए तो किसी को दिया नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। मैं फीस पेंडिंग लिस्ट के नाम ले रहा हूँ। के आपिता, तुम्हारी टर्म फीस अभी तक पेंडिंग है, जाकर मम्मी पापा को याद दिलाना, ठीक है? ये लो। भाई को पैसे की जरूरत है तो मांग सकता है मुझसे, मैं कर लूंगा कुछ न कुछ। जैसा बाप वैसा बेटा, उसने भी बाजार में कभी किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। देख लेंगे ना, ये लो, कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा। इनको देखो, गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसे कोई नहीं देखता। स्कूल की फीस देने के लिए थोड़े पैसे चाहिए, बच्चे बेचारे। अगर कोई जिंदगी में कर्जा लेता है तो अगले जन्म में वो पागल बन जाता है। मैं कभी कर्जा नहीं लूंगा करीम। किसी को बताना मत, जल्दी वापस कर देना। कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अमीन ट्रेवल्स में सऊदी में काम मांगू? अब्दुल्ला वहाँ ड्राइवर का काम करने गया था, पासपोर्ट जब्त करके उसे मारा गया। उसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, शुक्र है शादीशुदा नहीं था। हमारे तो 3 बच्चे हैं ना, जरा सोच। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि सूट बूट पहन के ऑफिस में काम करने जाऊँ, अगर जूते की दुकान में नहीं तो कपड़े की दुकान में, और कपड़े की नहीं तो कबाड़े की दुकान पे। ऐसे कितने पैसे मिलेंगे फरहाना? पैसे कम है, भाड़े का पैसा था, दोस्त की शादी के लिए लिए है। अब्बा, मैं काम करना चाहती हूँ अब्बा। तुम काम करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है? अगर काम करने की औकात नहीं है तो बीवी और बच्चे छोड़ जाएंगे तुम्हें। अगर दुकान से कमाई नहीं आती है तो सबके पर निकल आते हैं। अजीज भाई की चप्पल है ये, किस जाएगी, टूटेगी नहीं। चले जरा
तो थाम ले। मिल गए हम तुम एक हुए हम जरा आना सफर पे चले जरा। हाय फरहाना, तुम्हारी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई, एक अरसा बीत गया है। कॉल करना। बाय, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम कैसे जा रही हो? कैब बुक की है। चलोगे? बाय। बाय। सोमवार इंटरव्यू के लिए बुलाया है। आजकल इंटरव्यू आसानी से पास करना मुश्किल हो गया है। आजकल तो सिर्फ नौजवानों को ही नौकरी पर रखते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। वैसे तुम टेंशन मत लो, नौकरी मिल गई है। गुस्से में है, बच्चों के लिए अब काम भी ना करूं मैं। हम ही सोचते रहते हैं, बाकी के पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं ना, हम काम क्यों नहीं कर सकती? हमारी कॉम के अलावा सारी औरतें करती हैं ना, बस आईटी कंपनी के बारे में कुछ भी गलत सुनने को मिलता है। आपा, अगर गलती होनी है तो घर पे भी हो सकती है, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। गलती जानबूझ कर हो या सोच समझ कर हो, अल्लाह हमेशा साथ देगा। सच कहूं तो तुम ईमान के साथ इबादत करती रहो,
अल्लाह हमेशा तुम्हारा साथ देगा, हमें तुम पर यकीन है। बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लेता हूँ ना। नमाज तो पढ़ने देंगे ना वहाँ? नमाज को लेकर कोई पाबंदी नहीं, बस टारगेट पूरा। उन्हें मेरे नमाज पढ़ने से कोई परेशानी नहीं है, बस उन्हें मेरे टारगेट पूरा करने से मतलब है। अल्लाह, तू जा, मैं देख लूंगी। बच्ची आपा के पास से खाने में चिकन करी और चावल रखे। फरहाना, आज पहला दिन। ऑल द बेस्ट। अकेले ही आई हो ना? शौहर और बच्चों को छोड़कर आना क्या मतलब है? मजा आ रहा है ना? जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मैं थोड़ा सा भी बोझ कम कर सकूँ तो मजा ही आएगा ना? बैंक के स्टाफ नहीं हो, मत कहना कि तुम बैंक से बात कर रहे हो, कहना कि बैंक की तरफ से बात कर रहे हो। कैन आई स्पीक टू यू इज रॉन्ग, मे आई इज राइट, इसका मतलब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वी डोंट वॉन्ट यू टू टॉक टू द कस्टमर, वी वॉन्ट यू टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। मे आई आस्क यू अ डाउट? एक्सीलेंट। आई है देखो घर में आज नई खुशी लेके, बन के ये दामिनी फराना घर को सजाए। मेक सम कॉन्वर्सेशन, have a conversation, make it interesting। सर लाइफटाइम फ्री कार्ड है सर। सर आपका, अरे इसने तो फोन ही कट कर दिया। ओके मैं आ जाऊंगी। पार्टी है क्या? It's not party. It's party. Balance transfer और क्रेडिट कार्ड का बिल अमाउंट दूसरे बैंक के कार्ड पर ट्रांसफर कर देना। Fantastic! यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट सिर्फ उसकी बिल की कॉपी नहीं है, ये उसकी लाइफस्टाइल है, परचेजिंग की पावर है,
वो कौन है, उसे क्या पसंद है, ये सारी बातें आपको उसमें दिखेगी। जमीन खरीदने के लिए, आईफोन खरीदना है, पेरेंट्स के साथ फ्लाइट में जाना, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी है, बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, उनका हर एक ख्वाब पूरा करना है, मेरी तरह उन्हें किसी बात की कमी ना हो, मुझे लोन लेने की नौबत ना आ जाए, इसीलिए अल्लाह का तोहफा समझकर ये जॉब ज्वाइन की। हेलो, सलाम वालेकुम, हेलो, हाँ कौन, मैं HSBC बैंक से बोल रही हूँ मैम। हाँ बोलिए। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बैंक के प्रीमियम कस्टमर है ना? हाँ जी। अच्छा लिमिट है मैडम, फ्री इंश्योरेंस कवरेज भी है, फ्री है, फ्री कार्ड। आपका पैन कार्ड नंबर मैडम? थैंक यू मैडम। ठीक है, ठीक है। सब लोग सुनो, फराना ने पहला सेल किया है, हिप हिप, हिप हिप। डेटाबेस सर? डोंट कॉल मी सर, कॉल मी पुरुष। माय नेम इज नॉट सर, माय नेम इज पुरुष। ओके सर। Excuse me, sir. Don't call me, sir. Call me Purush. Okay, sir. All the best. Thank you. Farana, दूसरे department जा रही हूँ. Bye. Bye. अरे वहाँ तो अच्छा incentive मिलता है. हाँ. प्रिया ने तो iPhone भी ले लिया. सुबह आकाश में उड़े उड़े पंछी जैसे ये, तितली के जैसे ये, फूलों पे ये तो फिरे. Purush, I completed 10 cards. जो ये ठान ले वो करके ही रहे, नदी की लहरों से सागर में ये तो मिले, जो है मन में ख्वाहिशें वो पूरी सब करे, अपने ये काम से दिल सबका जीत ले। नई गाड़ी है? हाँ नई है। तुम्हारा डिपार्टमेंट कैसा है? काम ज्यादा है लेकिन इंसेंटिव अच्छा है। मैं भी ज्वाइन करूँ? तुम्हें सूट नहीं करेगा फरहाना। सपने जो देख है उनको सच ये करे, दुनिया जो भी कहे ना परवाह ये तो करे। कांटे हो राह में बिन रुके ये तो चले, जंगल के अंधेरों में आग सी ये तो चले। दो सुंदर आंखें ये गहरे राज खोले, बड़े खूबसूरत है लंबे काले बाल है। नित्या गुस्सा मत करना, मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना है। बोला ना, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है। क्यों? तुम्हारा कार्ड सेक्शन अच्छा चल रहा है ना? हाँ लेकिन तुम्हारे डिपार्टमेंट में ज्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं ना। ओह, तो तुम्हें ज्यादा इंसेंटिव चाहिए। बताइए बूज भाई, क्या चल रहा है आजकल? हाँ,
कोई तो अल्लाह से बहुत दुआएं मांगते हैं और कोई तो गाय का चारा भी चुरा लेते हैं। चोरी करने वाले सुकून से जीते हैं और जो दुआ मांगते हैं उन्हें तो एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं। और सच कहूँ तो इस दुकान से इतना भी हासिल नहीं। अब क्या कर सकते हैं? पैर डालिए। ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी तो आजकल एक बटन दबाने से हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने इस दुकान के बलबूते पे तीनों लड़कियों की शादी करवाई ना। चलती हूँ। हाँ शुक्रिया मैडम। नबा, नबा। आप ऑपरेशन कब करवाएंगे? इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? ये कितना सीरियस है पता है? वो एक प्रीमैच्योर बेबी होने के कारण वो अभी वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर पे रखने के कारण उसके लंग्स में पानी भर गया है, इसलिए उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसके चेस्ट का ऑपरेशन करना होगा। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। उसे नेबुलाइजर लगा दो, इसकी सर्जरी जितनी जल्दी हो जाएगी उसके लिए उतना अच्छा होगा। मुझे लोन चाहिए। एक्चुअली वो तो तुम्हें जॉइनिंग के 3 महीने बाद ही मिलेगा। सॉरी। ले भी लो। जब बात बच्चे की सेहत की हो तो सही गलत कुछ नहीं होता भाई, अल्लाह सब समझते हैं। इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? तुम्हारी दुकान कोई बिक नहीं गई है, सिर्फ गिरवी रखा है। दो हफ्ते में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तब आके मुझसे मिलना। जरा सा आगे बढ़ती हूँ फिर पीछे हो जाती हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है, तुम एक धार्मिक लड़की हो, सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझसे कहा गया था कि मैं कोई काम नहीं कर सकती। प्लीज नित्या। सब डिटेल्स बता दिए? हाँ मैंने बता दिया। मैंने बता दिया सर। देखो ये मुश्किल होगा, और सैलरी के अलावा ट्रिपल इंसेंटिव भी मिलेगा। करूंगी मैं अपना टारगेट जरूर पूरा करूंगी। आओगी तो एक हफ्ता रुकना पड़ेगा, तुम टीम शफल नहीं कर पाओगी। ऐसा क्या? वेलकम 5656 फ्रेंडशिप चैट। फ्रेंडशिप की दुनिया में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम श्वेता, आपका नाम? हाय आई एम कार्तिक। नाइस नेम कार्तिक। तो तुम करते क्या हो कार्तिक? वो सब छोड़ो, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जानकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी हॉबीज क्या है कार्तिक? हगिंग, किसिंग। और तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है श्वेता? चूड़ीदार सूट। उसके अंदर क्या पहनते हैं तुम्हें पता है ना? चूड़ीदार के अंदर क्या है मुझे किससे पता? तुम्हें नहीं पता? हाँ ठीक है ठीक है। कौन से रंग की है? नो ठीक है, मैं गेस करूँ? व्हाइट? नहीं व्हाइट नहीं है। ब्लैक? ओ श्वेता, ब्लैक से तो कुछ कुछ होता है। क्या होता है बताओ ना, इतना पसंद है। इस वक्त कैसे वापस आना हुआ? कौन से साइज में है? बड़ा साइज में नहीं है, छोटे साइज में है क्या?
व्हाइट ब्लैक क्या अल्लाह कितना टाइम हो गया हादिया ने नाश्ता बना दिया है अच्छा आज काम पर नहीं जाना है क्या हुआ तुम्हें अब इबादत किए बगैर तुम कभी सोती नहीं हो ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या नहीं मैं कस्टमर सपोर्ट में हूँ ना कुछ कस्टमर्स चिल्लाकर बात करते हैं अच्छा नहीं लगता बहुत मुश्किल हो जाती है कस्टमर्स तो ऐसे ही होते हैं मैं दुकान में कस्टमर्स के पैरों में चप्पल पहनाता हूँ इसमें कुछ गलत तो नहीं काम है ना लेकिन काम के बाद अगर मैं उनके पैर पकड़ता हूँ तो गलत होगा कोई भी काम करो तो ईमानदारी से करो पूरी इज्जत से करो तो अल्लाह की इबादत करने जैसा है अगर कोई ऐसी बात करे जिससे मुझे बुरा लगे या गुस्सा आ जाए तो मैं क्या करूं ये पसंद है ये नापसंद है ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा बोलकर दूसरी दुकान में चले जाएंगे और उसके बाद दूसरा कस्टमर आएगा व्यापार में होता है ये कस्टमर की बात दिल पर लेना या उसकी बात का बुरा मानना अच्छी बात नहीं होती ये फ्रेंडशिप चैट है ये मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज का हिस्सा है एक मिनट के 25 रुपए लगते हैं। ये है 56565 चैट मेल फ्रेंड के लिए एक दबाए फीमेल फ्रेंड के लिए दो दबाए कॉलर चाहे कैसी भी बात करे तुमसे लेकिन तुम्हें थोड़ा सेक्सुअल तरीके से बोलना है तुम बस या यस बोलती रहना इमोशनल या सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर हम सब सिर्फ एक मिशन की तरह हैं हमें उसे बस ओपन अप करना होता है वो हमसे जितनी ज्यादा देर बात करेगा उतना ज्यादा इंसेंटिव सारे कॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए कभी कभी चेक करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए अपना असली नाम एड्रेस और फोन नंबर कभी नहीं देना अगर दिया तो समझो नौकरी गई ये कामुक का क्या मतलब है कामुक का क्या मतलब उसने रास्ते पर किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है क्या नहीं ना उनकी भी जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के तरीके हैं और इसीलिए वो पैसे खर्च करता है तुमसे बात करने वाला इंसान कोई अच्छा इंसान भी हो सकता है या कोई आम इंसान भी हो सकता है कौन है ये लोग और इसमें इनका क्या फायदा नशा उन्हें लड़कियां नहीं मिलती इसीलिए वो हमें कॉल करते हैं अपनी बीवी के साथ जो शेयर नहीं कर सकते वो हमारे जैसे ना दिखाई देने वाले लोगों को शेयर कर देते हैं कमिटेड रिलेशनशिप बोरिंग हो जाती है नॉन कमिटेड फैंटेसी पूरी करने के लिए कुछ चाहिए कुछ होता तो कंट्रोल होना चाहिए ना नेचर्स कॉल को बुरा मानकर कंट्रोल करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे कभी कभी ऐसी चीजें बाहर निकालने का जरिया ढूंढना पड़ता है घर वालों को पता चला तो मुझे मार ही डालेंगे उन्हें तब पता चलेगा जब तुम बताओगी यहाँ तुम खुद बात नहीं कर रही हो तुम एक किरदार हो एक नाटक चल रहा है तुम्हारे जमीर का इससे कोई लेना देना नहीं एक हफ्ता ट्राई करके देखो नहीं तो सैम गुस्सा करेगा बोलो फ्रेंड 56565 चैट में आपका स्वागत है आपका नाम सनमुगम मुझे आपसे कुछ बात करनी है बहुत अच्छे बताइए तुम्हारी उम्र कितनी है क्या मैं तुम्हें मरगाथम बुला सकता हूँ सर सर तुम मुझे सर मत बुला अब तक तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानती हो मैं एक साथ दो दो लड़कियों को संभाल सकता हूँ मरगाथम का है ना तो मेरी मरगाथम मोगरे की फूल की तरह गोरी होगी ना उसके गाल इतने कोमल है कि चूने से भी लाल पड़ जाए और उसका चेहरा हमेशा खिला खिला सा रहता था उसकी आंखें उसके होंठ उसका सीना मर्दों को गंदी बातें क्यों अच्छी लगती हैं फोन पर सामने एक औरत बात कर रही हो इतना ही काफी है काम तमाम उसको जैसे चाहे वैसे वो फैंटेसाइज कर सकता है इन्हीं बातों से उन्हें किक मिलती है कैसी किक सच कहूं तो ज्यादातर उनके दिमाग में सिर्फ सी चलता रहता है इसी से उन्हें किक मिलती है यहाँ की हर एक लड़की उनके लिए सनी लियोनी या मिया खलीफा है ये कौन है अगर कोई कॉलर कभी तुम्हारे सामने भी आ जाए तो तुम वैसे भी एक दूसरे को कभी पहचान ही नहीं पाओगे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है के पहले या के बाद हमें लंबे समय तक चैट करना है तुम्हें क्या पसंद है सॉफ्ट या वाइल्ड ये सॉफ्ट और वाइल्ड क्या है ये फ्रेंडशिप चैट है फ्रेंड से आप ऐसे बातें करते हो हाँ फ्रेंड ही हूँ
विद बेनिफिट्स। मेरी उम्र? मैं तो 22 साल की हूँ। हाँ। मेरी भी गर्लफ्रेंड है। ओह नाइस, क्या करती है वो? मेरी बीवी के साथ काम करती है। मैं वो कभी नहीं भूल सकता, उसके पायलों की वो झमझम अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। बाय। ईशा, मेरे पास मेरी बीवी है, लेकिन ओह माय गॉड, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो हमेशा कलर और साइज की बातें क्यों करते हैं? इस दुनिया में थी एक ऐसी चीज है जिसके लिए ज्यादा बातों की जरूरत नहीं होती। कलर का मतलब उसे निकाल दो, साइज का मतलब उसे दिखाओ। बातें? हाँ, कुछ भी, सिर्फ आवाज ही काफी है। मेरे दोस्त ने लाकर दिया। सोफिया, मेरे बेटे का बर्थडे है। तुमने बनाया? थैंक्स फॉर। थैंक यू। आई लव टू पार्टी। एक जवान लड़की, लेकिन उसे खुद पर यकीन है। वो धैर्य से सामना करती है और मजे भी लेती है। वो ज्यादा किसी बात की फिक्र नहीं करती। क्या तुम बच्ची हो? चुप क्यों हो? यहाँ बात करने के तुम्हें पैसे मिलते हैं, जानती हो ना? और कॉलर्स ने मुझसे कितनी अच्छी बात की। छोड़ो यार, मूड खराब कर दिया तुमने। फ्रेंडशिप चैट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बताओ दोस्त, कैसे हो आप? मैं रखता हूँ, शुक्रिया। तुम कैसे हो और नाम क्या बताया अपना? ईशा। मैं अच्छी हूँ, बताओ फ्रेंड क्या चाहते हो आप? एक सिगरेट अपने आप को जला लेती है मुझे खुश करने के लिए, और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती। इसी को जिंदगी कहते हैं। मैं तो इसे छोड़ने की सोच रहा था। अच्छा बताइए, लाइफ कैसी चल रही है? चलो जाने दो, मुझे अभी बहुत काम है। ऐसा नहीं है दोस्त, आपने नाम नहीं बताया। तुम्हें जो नाम अच्छा लगे, अच्छा होना चाहिए। अजीत, विजय, सूर्या, धनुष। मैं कैसे? मैं एक मेल वॉइस और तुम फीमेल वॉइस, बस इतना ही ना। हवा में बहने वाली कई सारी आवाजों में हम दोनों बिना चेहरे की दो आवाजें हैं, बिना चेहरे की आवाजें। बिना सोचे पूछ लिया, आई एम सॉरी। बताओ फ्रेंड क्या बात करना चाहते हो आप? हेलो, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो सोचा कि मैं किसी से बात करूं। आप पहले ऐसे कॉलर हैं जिसे ठीक नहीं लग रहा है तो कॉल किया। मिस्टर नाम क्या बताया? तुम जानने वालों से तो अच्छा, अनजान लोगों से बातचीत करना काफी बेहतर होगा। हमारी बातें खत्म हो जाएंगी और हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, जैसे कि किसी पेड़ के नीचे छांव में लोग थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। आप चाहते क्या है? सुबह से मैंने सिर्फ 8 शब्द बोले हैं। मैं कब से इस दीवार को देख रहा हूँ, बात करनी है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जैसे अंधेरे में खुद से बात करता हूँ। अच्छा, तुम्हारी शादी हुई है क्या? क्या मतलब है? मेरा वैसा मतलब नहीं था, कैजुअली पूछ रहा था, गलत मत समझना। आपने कहा बात करने के लिए आवाज काफी है, नाम क्यों जानना है? तुम काफी हाजिर जवाब हो, मुझे सिगरेट पीने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। और सुनो, मैं थोड़ी कॉफी पीने वाला हूँ, तुम भी पी लो। कॉफी? हाँ, तुम्हारी टेबल पर रखी है ना कॉफी, मेरे एक हाथ में सिगरेट है और दूसरे हाथ में कॉफी, तो चलो फिर। कॉफी ठंडी हो जाएगी। ओह, मैं तो भूल गई, मुझे स्मोक से एलर्जी है, धुआं मेरे मुंह पर मत छोड़ना। सॉरी। आप सबके साथ ऐसे ही बात करते हैं? तुम्हें लगता है किसके बाद एक अच्छी स्माइल और सेक्स करने के बाद किसी से बातें करना ये सभी के साथ होता होगा? निशा, तुम्हारी आवाज में सच्चाई है, एक सौंदर्य है। मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम्हारी बातें तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारी ड्यूटी के बीच बैलेंस बना रही है, और ये मुझे अच्छा लगता है। कभी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की, ये सब
नया है मेरे लिए। गुलाब को देखते ही सबसे पहले नजर आता है उसका सौंदर्य और उसकी खुशबू, लेकिन जब कोई अनजाना दुर्लभ गुलाब सामने आ जाए तो फिर उसकी कीमत कोई भी नहीं समझ सकता। आप कितनी बातें करते हैं, लेकिन सभी में आप सबसे अलग हैं। सिगरेट तो वैसे छोटी सी होती है, लेकिन जब पूरी खत्म हो जाती है तो लगता है जैसे पूरी जिंदगी गुजर गई। लेकिन सिगरेट के जैसे ही जिंदगी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। थैंक्स, बात करके अच्छा लगा मुझे। अरे बाप रे। हाँ, फराना आ गई। मुतलीफ, अम्मी आ गई। आज इतनी देर कैसे हो गई? अम्मी अम्मी, ये देखो, ये बड़ी अम्मी ने दिया है। तुमने तो कहा था तुम जल्दी आ जाओगी, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहा थी तुम? सॉरी बेटा। तुम्हें अभी इतनी देर काम करना पड़ेगा? नहीं। लेकिन सिगरेट के जैसे ही जिंदगी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। थैंक्स, बात करके अच्छा लगा मुझे। सिगरेट तो छोटी होती है, पर जब तक हम उसे खत्म करते हैं लगता है कि पूरी जिंदगी गुजर गई है, और सिगरेट की तरह ही जिंदगी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सही कहा ना? सुनो, एक हफ्ता खत्म होने वाला है, कंटिन्यू करोगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये इंसेंटिव के लिए किया था, लेकिन ये नर्क से भी बदतर है। इंशाल्लाह अपने डिपार्टमेंट में जाऊंगी। 56565 फ्रेंडशिप चैट में आपका स्वागत है। ईशा, ईशा तुम ही हो ना? ईशा, ईशा। हेलो। आप? हाँ बोलिए फ्रेंड। ये वो ईशा नहीं है जिससे कल बात हुई थी? नहीं, मैं वही ईशा हूँ। मेरे लिए बात करना मतलब म्यूजिक के नोट्स लिखने जैसा होता है। जो लफ्ज मैं बोलता हूँ और लफ्ज जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, वो सब मेरे दिल में किसी म्यूजिकल नोट की तरह चलते हैं। अगर ताल में जरा भी फर्क आए मुझे पता चल जाता है। मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। क्यों? सर, सॉरी फ्रेंड, हम हर कॉलर को फ्रेंड ही बुलाते हैं, लेकिन मैंने पहली बार कल उस लफ्ज का मतलब महसूस किया। जब बात की तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन कल जब मैं घर जा रही थी ऐसा लगा जैसे किसी करीबी से बात कर रही हूँ। इतने लोगों से बात करने के बाद आप बहुत अलग लगे मुझे। मैं आपसे ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकती, और वैसे भी ये तो मेरा काम है। सो फ्रेंड, बोलिए ना फ्रेंड। मुझसे बात करना ठीक नहीं लगता तो मत बात करो ईशा। लेकिन मैं फोन नहीं रखूंगा। ये सन्नाटा हम दोनों के बीच किसी नदी की तरह बहता रहने दो। मैं सन्नाटा सुन सकता हूँ, इसमें म्यूजिक है, अल्फाज भी हैं, मतलब है। अगर मैंने फोन रख दिया तो दूसरा कॉलर तुम्हें कॉल करके परेशान करेगा। क्या तुम्हें मेरी आवाज सच में अच्छी लगती है? हाँ, जब मैं टी शर्ट पहनती हूँ तो ब्रा नहीं पहनती। आई मीन नाइट ड्रेस। क्या सुन रहा है तू कब से? इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही है, क्या चल रहा है? नदी बह रही है ना, सन्नाटा है, सुन सकते हो सन्नाटे की आवाज। क्या? मुझे काम करना है, तुम कुछ बोलोगी या नहीं? बात नहीं करना मतलब हंसना भी नहीं है।
किसी से बात नहीं करने से मेरा गला दर्द करने लगता है। मैसेज आते थे मुझे। ऐसे ही फिर मैंने इस चैट सर्विस को फोन लगाया और मैंने फोन पर तुम्हें पाया। मैं जिस तरह के इंसान से बात करना चाहता था वैसे ही हो तुम, यहाँ तक की आवाज भी। ये जिंदगी का जादू नहीं है? यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसी चीजें भी होती हैं। मुझे बहुत शौक लगा ये सबसे, उन्हें कोई दूसरी बात करने तक का सब्र नहीं था। इतनी जल्दबाजी, कितने बिगड़ैल लोग हैं, बस आवाज अलग अलग है, लेकिन सब एक जैसे ही हैं। कल जब आपने कॉल किया तो मैं समझी कि आप जैसे कॉलर्स भी होते हैं। मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। मैं कल से इस जगह नहीं आऊंगी, ये सब मैं हैंडल नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज ऐसी बात मत करो ईशा। पता है तुम्हारे दो अल्फाज सुनकर ही मेरा दिल पिघल कर हल्का हो गया है। तुम्हारी आवाज मानो किसी जाल में फंसे शिकार को आजाद करने वाले फरिश्ते जैसी है, जिसका खुद का किरदार है, अपनी पहचान है, जैसे किसी मंदिर से सुनाई देने वाली घंटी की आवाज। मुझे भरोसा है कल हम फिर से बात करेंगे। तुम्हारी हंसी बड़ी प्यारी है ईशा, हंसती रहना। सिर्फ कीटाणु या कोई रोग ही इस दुनिया में फैलता नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। फराना है, बहन जैसी है, तुम क्रश कह सकते हो। ऐसी क्या बात है उसमें? उसकी आवाज, उसका किरदार, खुद का वजूद है, जैसे मंदिर से सुनाई देती घंटी की आवाज। अच्छा जा रहे हो, पहले तुम आधे पागल थे, अब पूरे पागल हो। 56565 फ्रेंडशिप चैट पर आपका स्वागत है। मेल फ्रेंड से बात करने के लिए एक दबाए। हेलो 56565 और पुराने फ्रेंड से बात करने के लिए 3 दबाए। हे नित्या, फर नहीं आई क्या? उसने कहा वो अब नहीं आएगी, पुराने डिपार्टमेंट में चली गई। हेलो फ्रेंड, बोलो फ्रेंड, कैसे हो? फीमेल फ्रेंड से बात करने के लिए 2 दबाए। हेलो ईशा, ईशा ईशा यहाँ काम नहीं करती। पुराने फ्रेंड से बात करने के लिए ईशा, ईशा तो नहीं है। पुराने फ्रेंड से बात करने, पुराने फ्रेंड से बात, पुराने फ्रेंड से बात करने के लिए 3 दबाएं। हेलो फ्रेंड। ईशा, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। हाँ लेकिन मैं आ गई। आप एक ही हो जो बाकी सबसे अलग हो। हर नियम का एक अपवाद होता है, शायद इसे कोई चमत्कार समझो। ईशा, हम कई अजनबियों से मिलते हैं और कई सारी बातें भी करते हैं, लेकिन एक ही चेहरा, एक ही आवाज, लगता है ये हमारे लिए ही बना है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों के पास कोई अपना नहीं होता जिनके साथ वो मन की बात कर सकें। सब कुछ अंदर दबाए रखते हैं और हार्ट अटैक से मर जाते हैं। मेरे सामने अभी कौन है ये मैं नहीं जानता। मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी, लगता है किसी आत्मा से बात कर रहा हूँ। तो अब क्या मुझे भूत बुला रहे हो? दो भूतों के बीच की बातचीत, मुझे लगा था तुम वापस आ जाओगी। मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आ जाओगी। मुझे सैकड़ों कॉलर से बात करने के बावजूद उससे बात करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जो सच में बहुत मायूस है। अगर मेरे कुछ अल्फाज उसे सुकून दे सकते हैं तो मुझे मंजूर है। बहुत अरसा हुआ मैंने किसी से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात की हो। अब हम चले कॉलर वेटिंग। क्या तुमने काटा नहीं? नहीं, कहा कि ब्रेक पर हूँ, अगर कोई दूसरा कॉलर आया तो। उसने कहा कि वो मेरा वेट करेगा। ये आदमी तुमसे बात करना चाहता है या कोई तुमसे और बात ना करे ये चाहता है? ऐसा मत बोलो उसके बारे में। अरे वाह,
ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। हाँ फर, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये अबिता रुक। देख ये लोग कैसे खाना खा रहे हैं। बच्चों को कभी अच्छी तालीम नहीं दी तुमने। सिर्फ हम ही ये सिखा सकते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त कितनी बार उठना है, कितनी बार उन्हें बैठना है। ये सारी चीजें इन्हें कब सिखाओगे? जब देखो तब खिक 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 करते हो। ऐसे ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। दिमाग खराब कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक है तुम मुसलमान हो? जॉब करती हो तब भी रोजा रखना जरूरी है? प्यासी रहती हो, जबान सूख नहीं जाती? ये सब तो अमीर लोगों को गरीब की भूख क्या होती है ये दिखाने के लिए है। अगर अल्लाह के नाम पर एक महीने तक रोजा रखते हो तो दिल और दिमाग दोनों पाक हो जाता है। आपकी काम वाली आ गई? तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। कब से बेल बजा रही हूँ, दूध और अखबार गेट के बाहर पड़ा है, उठाया तक नहीं। हमेशा फोन पर लगे रहते हो बच्चों की तरह। चलो ठीक है हटो। घर की क्या हालत बना रखी है, मेरे नसीब में ही है ये सब। अल्लाह जाने उस फोन में इतना क्या रखा है, जब देखो तब फोन। सब सुन लिया ना तुमने? सुन लिया। चलो अब सो जाओ, जाओ सो जाओ। मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है तो लेट जाओ। सन्नाटा भी नदी की तरह बह रहा था उस दिन और आज। अनुपम है दिल को छुआ, बदला सा यहां पहली दफा। सुहाना समा अनुराग में डूबे, अनुराग में डूबे। ढूंढे मन मेरा, ढूंढे मन मेरा, ढूंढे मन मेरा। देवी थिएटर सबसे बेस्ट थिएटर। देवी थिएटर से तो मैं कितनी बार गुजरी हूँ पर कभी पिक्चर नहीं देखी। घर में क्या लैंग्वेज बोलती हो, तमिल या उर्दू? दोनों। मैं सचमुच तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ ईशा। गिफ्ट मेरे लिए? देना ही है तो सख्त दे सकते हो। सख्त? आज तो बहुत कुछ बेचा। गरीबों की मदद करना होता है, अपनी कमाई का हिस्सा देकर जरूरतमंद की मदद करना। बहुत जगह पर, गुंडी मेट्रो स्टेशन के नजदीक बहुत सारे जरूरतमंद लोग होते हैं। आपने जो मदद की मुझे बहुत अच्छा लगा। लग रहा है जैसे उसकी आवाज कहीं से आई। चलो दीवाना, दीवाना प्यार में दिल ये मेरा, इश्क है मैंने किया।
बेटा कुछ दे दो बेटा। ये किसने दिया? एक आदमी आया था, उसने कहा था ईशा नाम की लड़की आएगी और बताया कि जिससे फोन पर बात की है उसने दिया है ऐसा कहना। तुम्हारा नाम ईशा है? इतनी जल्दी जा रही हो? आज मीटिंग है ऑफिस में। नमस्ते सर। हेलो या तुम मुझे अगर मैंने रख दिया तो कोई दूसरा कॉलर तुम्हें परेशान करेगा, इसे अवॉइड कर सकते हैं। वाओ, क्यूट है यार। किसने दिया? हस्बैंड ने? नहीं, दोस्त ने। लेकिन एक ही चेहरा, एक ही आवाज, लगता है कि ये अपने लिए ही बना है। तुम्हें एक बात बताओ क्या? आज मेरा बहुत मन कर रहा है। और अगर मैं तुमसे मिल पाता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, क्या मेरी थोड़ी मदद करोगी? क्या हुआ? हिफ़ा, मुझे अपना आधार कार्ड दो। मेरी एक फ्रेंड है, यहीं पर काम करती है, वो तुम्हें अच्छा सा फैंसी नंबर दिला देगी। ठीक है ना? चलो चलते हैं। फरहाना, मैंने 6 किलो कोरमा बनाया है, हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। मेहंदी वाली आज शाम को आने वाली है, तुम आज छुट्टी ले सकती हो? नहीं, मुझे कल छुट्टी मिलेगी, आज जाना है। तुम भी ना। आवाज ऐसी है जैसे कुएं में गिरे हुए किसी को मदद का हाथ दे रही हो। पहचान वालों से तो बेहतर है कि किसी अनजान के सामने अपने मन की बात कहे। बात होने के बाद कोई सबूत पीछे छोड़े बगैर जुदा हो सकते हैं। कहते थे कि अन्ना नगर में एक संगीतकार था, तुम उसे वहां पर कैसे ढूंढोगी? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे कहूंगी तो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन को बताकर उसका एड्रेस ढूंढ सकती है वो। मैंने तो सोचा तुम बहुत भोली होगी, तुम तो बदल गई। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है। मैं कुछ नहीं कर सकती नित्या। ठीक है, मैं लॉग आउट करके आती हूँ। ऊपर बैग रख के आती हूँ। हेलो, हमारे यहाँ की स्टार परफॉर्मर है रोशनी। ईशा बोलो। सॉरी, मेरा सिम कार्ड 4 दिनों से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए बात नहीं हो पाई। देखो, ऐसे चुपचाप मत रहना, अल्लाह का शुक्र है। जब तुम ज्यादा नहीं बोलते तब तुम्हारी आवाज ज्यादा सुनाई देती है, और उसके बाद मेरा गिल्टी कॉन्शियस मुझे सोने नहीं देता। ईशा
इस तरह बात मत करो ईशा। ईशा सुनो, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। ईशा, मैं सुनसान जगह पर ट्रैकिंग के लिए गया था, रास्ते में फोन गिर गया और वो टूट गया। दूसरे फोन से कॉल करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। वापस आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, फिर मैंने फोन को ठीक करवाया। सॉरी ईशा, मैं जानता हूँ तुम जरूर डर गई होगी, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ हो जाए, मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाई तो सिर्फ आवाज कैसे याद रख सकती हूँ। मैं इस आवाज के पीछे के चेहरे को देखना चाहती हूँ। ये सब ख्वाब की तरह लग रहा है, इसे ख्वाब ही रहने दो। मुझे वो तस्वीर चाहिए जो इसे कस के पकड़े। तुम्हारा चेहरा वो तस्वीर है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम देखना नहीं चाहते मुझे? मैंने उसे एक सेकंड को थामे रखा है जिस पर तुम्हें यकीन था कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। मैं उस सेकंड को पार नहीं कर सकता। कब? कल भी बेहतरीन है। अरे कल तो ईद है, घर से निकलना मुश्किल होगा। ये तो मेरे लिए भी पाक दिन है, जश्न। मैं इंतजार करूंगा। तुम कुछ ऐसा लाओगी जो तुमने पकाया होगा। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? दया, दयालन। रमजान, कल बिरयानी लाना भूलना मत, ठंडा होगा तो भी चलेगा, बस लेकर आना। बाय। सुनो सोफी, कहाँ जा रही हो? बस एक पार्टी में जा रही हूँ फ्रेंड के साथ, कल बिरयानी लाना भूलना मत। हाँ, ले आऊंगी। बाय। हेलो, हाय। मेरी न्यू ड्रेस पीछे देखो, सीट पर रखें। हेलोवीन कॉस्ट्यूम देखो, देखो। ए, चल कल मिलते हैं, बाय। बिरयानी की खुशबू ला जाओ। हाँ, उसने किसी को बावर्ची खाने में जाने ही नहीं दिया। सर को इन्फॉर्म कर देना। ईद मुबारक। तुमने कुछ बनाया कि मदद करूं? सब हो गया ना, बताना मुझे, चिंता मत करो। ईद मुबारक भाई जान। आइए ना, ईद मुबारक। आइए, आदिया मुबारक।
जावेद किधर है? और कैसी हो? सब खैरियत है। बच्चे लोग कहाँ हैं? अरे यार तुमसे मिलना है ना? कुछ हो तो बताना, मैं मदद करती हूँ। ला बताओ क्या करना है? सब खैरियत तो है ना? पहले से दुबली हो गई हो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ हाँ, मेरे सर में दर्द है। सिवैया हाँ। खाकर जाना। और फातिमा तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? सब अच्छा है ना? तैयार हो गए ना? अरे इतना क्या जरूरी काम है? अच्छा ठीक है। सलाम सलाम फरहाना, हम लोग समुन्दर किनारे जा रहे हैं। इस पाक दिन पर हम साथ में जा रहे हैं। वहाँ जाने की इस तरह मेरी कब से तमन्ना थी। देखा, मेरी तमन्ना पूरी हुई इंशाल्लाह। चलो चलो बीच पर चलते हैं। चलो सब लोग। ये हम घूमने जा रहे हैं। सुनिए, आप बच्चों को लेकर जाइए ना, मैं यहीं हूँ। मैं मेरे अम्मी अब्बू से मिलने जाऊँगा। इनको कितनी दफे बोला, चलो अंदर चलो। अरे आ रहा हूँ, चलो।
हेलो, क्या हुआ नित्या? सोफिया, सोफिया को क्या हुआ? सोफिया के साथ कुछ हो गया। सोफिया नहीं रही, उसका खून हो गया है। वो हमें कॉल करने वालों में से एक था। चैट सर्विस के जरिए उसने उसके साथ बात की थी। वो मिले और साथ आ गए। What the hell is this? बाहर जाओ तुम लोग। Get out you rascals! Get out you rascals! तुम लोग बाहर जाओ, मैं आता हूँ। Hey, सुन, क्या बदतमीजी है ये? बहुत ज्यादा उछल रहा है तू इससे प्यार करता है क्या? मेरी बात मान। अरे खुद ही बुलाता है, अब जाने के लिए कह रहा है। मुझसे झूठ कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमने कहा इसलिए मैं यहाँ पर आई। तुम पर भरोसा करके आई? तुम पर भरोसा करके बाहर निकलो जल्दी। का कोई एक्सेप्शन तो होता है। किसी ने मेरी इतनी तारीफ कभी नहीं की। नाम क्या है? जावेद साहब। और इनका? हादिया साहब। फराना कौन? अब वो है। इनका नाम फराना है? हाँ साहब। चेक करो ये आधार कार्ड तुम्हारा है क्या? अंदर आना। ये लिख लो। कहाँ गई थी तू? सुनो मेरी बात, वहाँ खून हुआ है, सोफिया नाम की लड़की मर गई है। मुझे लगता है कि उसका करेक्टर कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। हमें पता चला है वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये सिर्फ पूछताछ है, अगर आप हमें बता सकते हैं तो इससे हमारी बहुत मदद होगी। हमारा साथ दो, ठीक है? ये कौन है? ये फरजाना के शौहर हैं। सूफिया नाम की लड़की कुछ लोगों के साथ PCR होटल गई थी, क्या तुम उनके साथ गई थी? तुम कितने टाइम से उन्हें जानती हो? हम एक ही दफ्तर में काम करते थे। क्या वो अक्सर ऐसे बाहर जाया करती थी? पता नहीं सर। क्या तुम भी इस तरह बाहर जाती हो? क्या कभी तुमने उसके बॉयफ्रेंड को देखा है? नहीं सर। क्या तुम दोनों का कोई रिश्ता है? नहीं। ठीक है, अपना फोन दिखाओ। है, तुम्हारे पास फोन है क्या? अब्बा, मैं जानती थी अब्बा, फरहाना ने मुझे इस बारे में बताया था। हाँ सर, उसने हाल ही में खरीदा था। अच्छा सुनो, तुम्हारा आधार कार्ड और फोन का बिल उस लड़की के बैग से मिला। उसने कभी तुम्हें फोन खरीद के दिया था? काम करते थे। फिर तुम उसके साथ फोन खरीदने क्यों गई? उतना तो भरोसा कर सकती हूँ ना?
सर मुझे आपकी वाइफ का नंबर चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना सर, मुझे आपकी वाइफ का नंबर चाहिए। सर 9840। आगे की पूछताछ के लिए जब भी पुलिस स्टेशन बुलाएंगे आ जाना। ठीक है सर। मरने दे मुझे, मर जाने दे मुझे। बेसारा भौरा, बेसारा भौरा, मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। जब ये पुलिस वाला मेरे घर में आके पूछता है कि आपकी बेटी मजलन है तो क्या जवाब दूं उसे, तू ही बता। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, देख लिया ना पढ़ाई लिखाई का नतीजा। देख रहे हो ना पढ़ाई लिखाई का नतीजा। खबर खबर, तुम 3 बजे उठ के सबके लिए दुआ करती हो ना, तुम्हारी ऐसी दुआ करने का क्या फायदा है? अगर तुम्हारा दिल पाक ना हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। अब मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, मैं जॉब छोड़ने का सोच रही हूँ। कुरान के नजरिए से अगर बेगुनाह होने पर बीवी को गुनहगार समझा जाए और अगर किसी गलत काम का सबूत नहीं है तो उसे उस गुनाह से बचाना चाहिए। तुम नहीं, कुछ भी करो सही या गलत, तुम काम पे वापस नहीं जाती हो तो लोगों को लगेगा तुमने गलत किया है, सभी को लगेगा कि हमने ही तुम्हें जाने से मना किया है क्योंकि तुम गुनहगार हो। अल्लाह की कसम, सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड दिया था मैंने उसे। मैं तुम्हें सलाह दे सकूं, इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हो, तुम एक जिम्मेदार शहरी हो, बस थोड़ा होशियार रहो।
बैंक के कस्टमर से बात करना तुम्हारा काम नहीं है ना? करने वाला हर एक इंसान, ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही इंसान होगा। हमें उससे कभी इमोशनली नहीं जुड़ना है, हमें ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर फंस गई तो साउंड एंड लाइट आर गुड डिफेंस टूल्स फॉर वुमेन। इस टॉर्च की लाइट का इस्तेमाल करके आप सामने वाले की नजर को थोड़ी देर के लिए धुंधली कर सकते हो। मैंने आप सभी को ये पेपर स्प्रे देने के लिए कहा है, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब आप फोन काट दे तो उससे आपका कांटेक्ट खत्म। ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं, वो तब तक तुम्हें कुछ नहीं करेंगे जब तक तुम उनके करीब नहीं जाते। अगर तुम करीब जाती हो तो वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद आप उससे मिलती हो या उसे अपनी जानकारी देती हो तो उसी दिन तुम्हें सीधे घर भेज देंगे। हो सकता है हम ये सब पुलिस को भी बताएंगे, उसके बाद जिम्मेदारी आपकी। पुलिस के प्रेशर की वजह से ये सब करना पड़ता है। अगर जिंदगी में आपको कुछ ऐसा मिले जो आपको कभी ना मिला हो, हम इससे खुश होंगे। हम नजदीक जाकर उसे छूना चाहेंगे। हमें भरोसा है कि ये सच में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में उससे मिली थी? 5656 चैट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हेलो ईशा, बोलो फ्रेंड। मैं काफी वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ईशा। ये एक फ्रेंडशिप चैट है, सिर्फ फोन पर बात करो। मुझे लगा कि तुम आओगी ईशा, मैं वहाँ हर एक लड़की को देख रहा था, लगता था कि तुम वहाँ होगी। पागलों की तरह इंतजार कर रहा था। इट्स ओके फ्रेंड, जो चाहते हो वो हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी जो चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता। इतनी जल्दी मत छोड़ो ईशा, कल जो हुआ उससे मुझे बहुत दर्द हुआ। ये मेरा काम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉल कट करने के बाद अपने काम पर ध्यान देना, वाबस्ता मत होना। ईशा, तुम्हारे ना आने से इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह तुम मेरे रिश्ते की बेइज्जती और नजरअंदाजी करती हो वो मुझे पसंद नहीं। मैंने तुम्हें ऐसे ढूंढा जैसे कोई खोया बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है। ये कल के मुकाबले ज्यादा बेइज्जत करने वाला है। मुझे शर्म महसूस हो रही है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं अलग हूँ? कोई वजह नहीं, मैं ऐसे ही बुरा इंसान बना हूँ। तुमने कल भी अपना घर नहीं छोड़ा ना? फ्रेंड, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो दुनिया में जिसे प्रॉब्लम है? तुम बिल्कुल नहीं आई, तुम्हें परवाह नहीं है ना कि मेरे साथ क्या होता होगा। मेरी बात सुनिए। सुनो, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, आखिर तुमने सोच लिया कि मुझसे दूरी बनाओगी? सर, ये ऑनलाइन चैट है, अपनी जुबान पर काबू रखिए। एक सिगरेट की तरह है, जब अंगारे उंगलियों को छूते हैं आप उसे फेंक देते हैं, वरना उंगली चल जाती है। मैं अपने बेड पर हूँ, नंगी होकर आओगी क्या? जब वो बोलते हैं तुम अचानक फोन काट देती हो, तो बताओ तुम्हारा टारगेट कैसे कंप्लीट होगा? इससे पहले तो तुम अच्छे से काम कर रही थी। यू फाउंड अ वे आउट ऑफ दिस प्लेस, अब कुछ नया ढूंढो, कुछ अलग। मुझे ये काम अब नहीं करना है नित्या, मैं अब नहीं कर सकती। लगता है जो मेरे साथ होना था वो सोफिया के साथ हो गया। वो क्रॉस सेल हो या बैलेंस ट्रांसफर, मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, एक काम करो, मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो। HR, पुरुष, मैं सबसे बात कर लेता हूँ। थैंक यू। क्या मैंने उसे ज्यादा हर्ट कर दिया? सच कहूं तो ये जानना गलत है कि जो दूसरे कोने में है वो ठीक से समझेंगे या नहीं। हमने कुछ ठीक से बताया नहीं। सच तो ये है कि तुमने उस आदमी का इंतजार किया। मैं
ठीक है, मैं नॉर्मल बात करूंगी। अभी डिपार्टमेंट ट्रांसफर की बात करने की जरूरत नहीं है, बाद में उसे पता चल जाने दो। स्वागत है 56565 फ्रेंडशिप चैट में। हेलो हेलो, क्या हुआ? ये वही है। तुम कैसे हो? हेलो फरहाना, जहाँ जाओगी मुझे पाओगी, और अगर तुम आगे नहीं जाना चाहती हो तो तुम यही चैट करती हो जिससे कुछ हुआ ही नहीं। हेलो 5656 चैट में आपका स्वागत है। ये एक ऑनलाइन चैट है, इससे इमोशनली बिल्कुल मत जुड़िए प्लीज। ऐसा ही कहोगी ना? तुमसे तो यही पूछना बेहतर है कि चट्टी का साइज क्या है, ब्रा का साइज क्या है। मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हुआ ये था कि ये चैट ऑफिस पेट्रिया बिल्डिंग में 8वीं मंजिल पर है। उस बिल्डिंग से शाम 7 बजे बुर्का पहनकर निकलने वाली इकलौती औरत तुम हो। उसे मेरी सिगरेट की महक से नफरत है, भले ही वो पूरी तरह ढकी हो। वही चेहरा, वही आंखें, उसके हुस्न को बताने के लिए 1000 कागज भी कम पड़ेंगे। वो मेट्रो में चढ़ती है और गवर्नमेंट स्ट्रीट में उतर जाती है। ऑटो में बड़ा खर्चा आता है तो एक शेयर ऑटो करती है। उसका घर भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, आइस हाउस के इलाके में। उसकी 2 बहनें हैं, 2 बच्चे हैं, नजदीक बहुत सारे लोग हैं। सुनसान पड़ी एक जूतों की दुकान, एक बाप जो रोज मस्जिद जाता है, एक शौहर जो बच्चों को स्कूल भेजता है। इन सब के बीच में तुम हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें ढूंढना चाहता तो जिस दिन हमने चैटिंग शुरू की उसी दिन मैंने ये कर दिया होता। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान? ईशा, ईशा नाम से कोई है? ईशा तो ईशा, यहां तो इस नाम का कोई नहीं है। लेकिन ये एड्रेस तो आपका ही है। जगह तो बिल्कुल सही है, लेकिन ईशा कोई नहीं है। ये हमारा ऑर्डर तो नहीं है। मैनेजर को मेरी रिपोर्ट मत भेजना, चेकलिस्ट में मत लिखना। कोई बात नहीं, तुम डरो मत बहन, हम मैनेजर से बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, किसी को पता ना चले, वरना वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मैं संभाल लूंगी।
वो तुमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? अब तक उसने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है नित्या। वो झूठा इंसान नहीं लगता, काफी समय से मुझ पर नजर रख रहा है। बताओ कल मैंने लेग पीस बिरयानी भेजी थी लेकिन तुमने ली ही नहीं। ओ, तुम्हारा शौहर ईशा के बारे में कुछ नहीं जानता ना? ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ, शादी करोगी मुझसे? मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। बढ़िया, अभी बुलाओ। हमारी सारी प्यार भरी बातें मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग महफूज है। मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन तुम्हारे घर पर आ जाऊँ, सबसे मिलूँ और हमारी बातें तुम्हारे शौहर और अब्बू को सुनाऊँ। ठीक है ना मेरी जान? ये मेरा काम है। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम है? सबके साथ मेरे जैसे ही पेश आती हो, वही प्यार भरी मीठी मीठी बातें। देखो, अब मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता। अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। बस एक बार साफ साफ बता देती मैं दूर चला जाता तुमसे। लेकिन तुमने क्या किया? मेरा फोन उठाकर कहा हाँ बोलो क्या हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया। बाहर खड़े मुझे ये बिना बताए कि हुआ क्या था। मैंने एक अनदेखे इंसान पर भरोसा किया। चेहरा देखती तो क्या होता? तुम्हें पता है चेहरा नकाब की तरह होता है, पहनने वाले का चेहरा और उसकी पहचान छुपाए रखता है वो। जिंदगी में कई लोग हमारा दिल तोड़ेंगे, उस दर्द उस बेइज्जती के लिए कोई तो जिम्मेदार होता ही है। मेरी जिंदगी के हर फरेब की शक्ल तुम हो और मुझे लगता है कि तुम्हें इस दर्द का एहसास होना बहुत जरूरी है। तुमने मुझसे मिलने की बात करने से पहले एक पल तो जरूर सोचा होगा। मुझसे मिलना तो चाहती थी ना? मैं तुम्हारे सपनों को सच कर दूंगा। जब तक तुम नहीं आओगी मैं पीछा करता रहूंगा। वो अभी मेरा पीछा कर रहा है नित्या, हमेशा हमेशा। मुझे लगता है वो अभी भी यहीं कहीं है। मैं हूँ ना, चलो जल्दी चलो। कोई नहीं है, चलो। क्या पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हो? कुछ भी नहीं है, वो ब्लैक शर्ट वाला हमें ही दिखे जा रहा है। कहाँ पर? वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। मैंने अच्छे से देखा। चलो चलो आगे चलो। क्या हो गया? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?
और क्या पता लगा लिया तुमने? कब से मुझ पर शक कर रहे हो? फरहाना, यहाँ यही वजह है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती थी। आदमी का दिमाग ऐसे ही काम करता है, सब लोग सिर्फ पीठ पीछे ही बातें करेंगे। अगर काम पर नहीं गई तो भी मेरा पीछा करोगे? बीवी पर शक करने से अच्छा होगा दो वक्त का खाना कैसे मिलेगा इसकी फिक्र करो। मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं काम छोड़ देती हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं इंसेंटिव लेती हूँ और काम छोड़ देती हूँ। नहीं, वो बात तो नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे सीधे पूछ लेना। कोई बात नहीं, मैं शाम को आता हूँ। अगर ये लड़कियां घूमती रहेगी तो घर की निगरानी कौन करेगा? हा? तो बच्चों को खाना कौन देगा? ये सब कुछ तो औरतों का काम है ना? भाई, जब मुझे मेरे पति ने घर से निकाला तब मैं 18 साल की थी। मेरी सबसे बड़ी बेटी 1 साल की थी और मैं प्रेग्नेंट थी। अगर मेरे पापा की दुकान ना होती, अगर मेरे पास ये काम ना होता, मैं घर में बैठी रहती, मुझे खाना कौन खिलाता? पति तो चला गया दूर। मुझे और मेरे बच्चों को उसके बगैर मर जाना चाहिए था क्या? या मुझे दूसरी शादी करके नए पति से सहारा मांगना चाहिए था? क्या पता किसकी जिंदगी कितनी लंबी है, किसी की जिंदगी का कोई ठिकाना है क्या? तुम हमेशा तो नहीं रहोगे साथ में, और अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी बेटी अनाथ हो गई तो उन्हें खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी ना? से बात करने के लिए दो दबाएं। आपका दोस्ती की दुनिया में स्वागत है, बोलिए फ्रेंड। हेलो। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अब वो आपको कॉल नहीं कर पाएगा। बोलिए फ्रेंड, मैं प्रिया, और आपका नाम? फ्रेंड। पुराने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। ईशा। ईशा, वो तो नहीं है। बोलिए फ्रेंड, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ईशा। ईशा नहीं है, किसी और से बात करनी है। मैडम, लॉकर रूम में किसी का फोन बज रहा है। इतने कॉल क्यों कर रहे हैं? बीवी, मुझे ये फोन रास्ते पे पड़ा हुआ मिला। जब मैंने बीवी नाम से सेव किए हुए नंबर पर फोन लगाया तो तुमने फोन उठाया। वो तुम्हारा शौहर है? बेचारा, मैं उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गया। हिट एंड रन, इलाज शुरू हो गया होगा। Thank you.
फरहाना, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें? अस्पताल से कॉल आया था। फोन भी मेरा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ खो गया। देखते हैं। संभल कर उतरना। तुम्हारा फोन बंद क्यों है? बुरी बुरी बातों से और फालतू कॉल से बचने के लिए ही ना। लेकिन इसके बावजूद तुम बच थोड़ी जाओगी। मैं रहमत स्टोर के पास हूँ, तुम्हारी नुक्कड़ पर। मैं तुम्हारे शोहर के लिए हेल्थ ड्रिंक्स और फल लाया हूँ। कौन? आपका फोन मिल गया है। जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था फोन वही मिला है। वाओ ईशा, झूठ बोलना भी सीख लिया। बहुत खूब। अच्छा, ठीक है, उनसे एड्रेस पूछ लो, मैं वहाँ जाके ले लूंगा। नहीं, वो नजदीक ही है। मैं पास ही हूँ, मैं आकर तुमसे मिलूंगा। उसे बताऊंगा कि चैट सर्विस में काम करती हो, वही सर्विस जहाँ हम दोनों की एक दूसरे से पहचान हुई। बोलो ना ईशा, नॉर्मली पति को पत्नी की हर बात मालूम होनी चाहिए ना। ये मजे की बात है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और वो नहीं जानता। क्यों खामखा? आप तकलीफ मत लीजिए। अगर आप बता दो कि कहाँ हो तो मैं अब्बू को बोलती हूँ, वो आ जाएंगे वहाँ पर। मेरे घर आओगे ना मुझसे मिलने? हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे बताओ ईशा, मैं आऊँ तुम्हारे घर अभी? अगर मैं सचमुच आ गया तो तुम ज्यादा शौक हो जाओगे, या तुम्हारे शौहर को शौक लगेगा। आओगे ना या फिर मैं आऊँ? इसी गली में ना। तुम्हारे शोहर को कि कैसे तुमने मेरा विश्वास जीतकर मुझे बेवकूफ बनाया, और क्या उससे माफी मांगूं? उससे मैं उसे कुचलने के लिए। ठीक है। ठीक का मतलब? हाँ, आ जाऊंगी। अच्छा लगा ये सुनकर। कल जब मैं तुम्हारे ऑफिस में फोन करूंगा तो फोन उठाकर तुम्हें कहना होगा, हेलो दोस्त, मैं दिल से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। और अगर वो कॉल किसी और ने उठाया ना, ठीक है कल काम पे जाओ, फिलहाल शोहर का ध्यान रखो। वो कौन है, कहाँ रहता है तुम कुछ नहीं जानती, लेकिन वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। ऐसा मत करो। ऐसे डर के साए में जीने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? समझने की कोशिश करो। वो मेरे घर तक पहुंच गया, क्या करूं? पुलिस को कंप्लेन करूं? वो बोलेंगे चैट वर्कर किसी पागल के चक्कर में फंस गई, इसलिए अगर मैं अपनी जान दे दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे उससे मिलना ही होगा और उससे पूछना होगा कि वो चाहता क्या है। तुम उसे दोगी जो वो चाहता है? अब बात बहुत बढ़ चुकी है, मैं भाग नहीं सकती। तुम सही कहती हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूं। अब मुझे जानना है। सिर्फ उसकी बिल की कॉफी नहीं है, ये उसकी लाइफस्टाइल है, परचेजिंग की पावर है, वो कौन है, उसे क्या पसंद है, ये सारी बातें आपको उसमें दिखेगी। अप्रैल फर्स्ट वीक कहा ना तुमने? ये उसी हफ्ते में किसी ने खरीदा था। तुम्हें कैसे पता कि ये वही बिल है? प्रोडक्ट आईडी मैच हो रहा है ना मैम। नंबर है क्या? नहीं मैम। मैम आपका बेला फोन। एक्सक्यूज मी, कहिए। कैश था या कार्ड? कार्ड था। कौन सा बैंक? आपका HSBC।
16 1280 7359। दयालन, दयालन नाम का हर कार्ड ढूंढ के निकालो। पता करो कि इस म्यूजिक शॉप में किसने खरीदारी की। वो कार्ड, हाँ यही वो कार्ड है। फराना इस वक्त इसे कोई यूज कर रहा है। वही होगा, ऐसा ही लगता है। ये एक स्मॉल वेला चेरी। अगर उसने एक बार स्वाइप किया है तो वो फिर से स्वाइप करेगा और फिर हम उसे पकड़ सकते हैं। पकड़ने जाओगी? बहन, ग्रेट आइडिया, मैं आऊँ आपके साथ? अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मत आओ। बताओ उसने स्वाइप किया? नहीं। नित्या, स्वाइप किया उसने? वो कौन सी शॉप में है? बॉडी शॉप फराना, बॉडी शॉप। उसे कॉल करो नित्या। रुको, मैं करती हूँ। हेलो सर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम HSBC बैंक। ये रैंडम सिक्योरिटी कॉल है। अभी आपने बॉडी शॉप में कार्ड यूज किया था ना? योर मिस्टर दयालन। थैंक यू सर। ओके फराना, वही है। Thank you.
फरहाना, फरहाना। मेरा सेल फोन चाहिए। क्या हुआ? फोन जरा देखना इसे। हो गया क्या? ये लो, ठीक हुआ क्या? देख लो, पैसों की जरूरत नहीं। अब्बा को मेरा सलाम कहना। शुक्रिया भाई। फोन लेने से सब सुलझ जाएगा। हाँ मैं तुमसे मिलने और बात करने के लिए बहुत बेकरार था, लेकिन हमारा रिश्ता इस तरह खत्म होने का ख्याल भी बड़ा दर्दनाक है। तुम्हारा शौहर व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है ना? इस वक्त वो घर पे ही होगा ना? जब तक तुम्हें तुम्हारा फोन मिलता है, मैं एक एक करके सारी रिकॉर्डिंग उसे भेज दूंगा। ठीक है ना मेरी जान?
हेलो, सलाम वालेकुम, कौन? हेलो हेलो, कौन हो सकता है ये? फरहाना, एक कप चाय। तुम क्या कर रही हो? चाय बना रही हो? ठीक है, कल काम से छुट्टी ले लेना। हाँ, यहाँ के सारे काम मैं ही करती हूँ। घर का राशन भी खत्म हो गया है, ना इमली है ना हल्दी है, कुछ भी नहीं है। तुम छुट्टी लोगी तो सारे काम हो जाएंगे। फातिमा, क्या हुआ? कुछ नहीं। फोन पर हो? फरहाना, मुझे लगता है मीरा और सूफिया का कुछ गहरा संबंध है। मैं जब भी उसे देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैं वो थी और वो मैं थी। वो मर चुकी है फरहाना, पागल हो गई हो क्या? ऐसा मत करो। मिथ्या, क्यों खामखा? इससे फायदा होगा। मैं आऊं क्या? बीवी ईशा, सॉरी फरहाना, मुझसे मिलने आई है तुम्हें बताए बगैर। क्या करूं, वो मान ही नहीं रही है। क्या तुम उसे यहां से ले जा सकते हो? मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजा है। अंदर आ जाओ। सुंदर और जानकार आवाज बात कर रही थी। अरे, इतने सुंदर आवाज वाली औरत कितनी सुंदर होगी ये सोचकर मैं तो फंस गया। और जैसे ही वो आवाज धीमी होती चली गई, मुझे लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं डर गया।
मैं जानना चाहता था कि वो आवाज कहां से आ रही थी। तुम हमेशा मेरे दिल में और सपनों में रहती हो, वो बात तुमने कही थी। एक छवि जो तुम हमेशा बनाए रखना चाहती थी, यह है वो छवि। सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे मन ने एक सुंदर तस्वीर बना ली थी, जैसे मैंने सोचा वैसी हो। तुम्हारी आवाज तुम हो, तुम ही तुम्हारी आवाज हो, तुम एक मधुर सास जैसी हो। तुम्हारी आवाज सुनते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मंजूर है मुझे। तुम मेरी वो चिंगारी हो ईशा, तुम मेरी वो आग हो। अब जब तुम यहां आई हो, कैसे स्वागत करूं तुम्हारा, कहां बिठाऊं तुम्हें, खाने को क्या दूं, क्या बातें करूं तुमसे, मैंने ये सब लिख के रखा हुआ था। जानती हो मैंने कितनी बार रिहर्स किया था इसके लिए। जानता हूं तुम नफरत करती हो, जानता हूं, लेकिन सिर्फ हम दोनों के बीच बस कुछ दिनों के लिए प्यार तो जरूर था कि नहीं। तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लगता है ना। मैंने स्टेशन पर काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, लोगों से मार खाई, बेइज्जती सही, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस सब के बावजूद तुम पर गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इस डर से कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो, तुम्हें फोन किया मैंने। तुमने मेरे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव किया, मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं कोई घिनौना आदमी हूं। पता है वो कितना दर्दनाक था। मैं चाहता था कि तुम भी उस दर्द को महसूस करो जो मुझे दिया था तुमने। तुम्हें फोन पर डराना, वो ऑडियो रिलीज करने की धमकी, बेचारा करीम, उसे मेरी गाड़ी से कुचलना, हां वो सब गलत था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? फरहाना, क्या हुआ? उठो, क्या हुआ फरहाना, क्या हुआ? हादी फरहाना, बताओ फरहाना, क्या हुआ बोलो, क्या तुम उसे पसंद करती थी? हाँ पसंद था, दोस्त की हैसियत से। अगर वो उस दिन कॉल नहीं करता तो शायद मैं ये जॉब नहीं कर पाती, लेकिन जब उसके दूसरे रूप के बारे में पता चला तो मुझे उससे घिन आने लगी। सिर्फ आवाज पर भरोसा करके मुझे लगा कि वो बिना चेहरे का अजनबी अच्छा इंसान हो सकता है। वो मेरी गलती थी, और इतना ही नहीं, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। मैं यहां किसी से भी ये बात नहीं कह सकी। हम दोनों हमारे प्रॉब्लम्स के अलावा और कोई बात नहीं करते, लेकिन जब अचानक उसने बात की तो मैं भी करने लगी, यूं ही बातें की उससे। मैं किसी काम का नहीं हूं, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर नहीं पाया मैं, अपने परिवार के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे तुम्हारा काम शुरू करना अच्छा नहीं लगा था।
लेकिन मैं तुम्हें खफा नहीं करना चाहता था। जब मैंने तुम्हारे पैरों में चप्पल पहनाई, मैंने चाहा कि तुम्हें तकलीफ ना हो। जब तुम टिफिन लेकर किसी से मिलने निकल पड़ी, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि कुछ भयानक होने वाला है। जान देने का मन कर रहा था, ऐसा लगा कि उस ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दूं अपने। तुम मेरी दुनिया हो और तुम इतने टेंशन में होने के बावजूद तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं आया कि मुझ पर विश्वास करो और मुझे सब बता दो। जानते हो, मुझे डर था कि शायद मैं तुम्हें और बच्चों को हमेशा के लिए खो दूंगी अगर मैं तुम्हें ये सब बता देती और तुम मुझे गुस्से में आकर काम पर नहीं जाने देते तो मैं क्या करती। मुझे डर था कि हमारे घर की हालत फिर से पहले जैसी ना हो जाए। मैं बस इतना ही चाहती थी कि कैसे भी करके मैं सबसे बाहर निकलूं। रिकॉर्डिंग चाहिए। मुझे बताओ बहन। पृथ्वी, तुम्हारे जॉब पर तो इसका असर नहीं होगा ना? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अच्छा सुनो, अगली बार वो फोन करे तो कहना तुम मिल रही हो। डर क्यों रही हो? अच्छा सुनो, वहाँ जाओ और रिकॉर्डर शुरू कर दो, हम बाहर ही होंगे। जैसे ही वो मान लेता है कि उसी ने तुमसे फोन पे बात की है, हम अंदर आ जाएंगे। तो फिर फोन पर डराना। तुमने कहा कि सच्चा प्यार करते हो और फिर इस तरह मेरा पीछा कर रहे हो और तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। क्या तुम जानते हो, 5 मिनट का चैट करने वाला भी फोन काट के चला जाता है, वो तुमसे ज्यादा अच्छा है। फरहाना अब तक काम पर नहीं गई। हर पंछी का खुद का एक दायरा होता है, कितना ऊंचा उड़ना है या कितना नीचा उड़ना है। इसके बावजूद कोई पंछी अपने घोंसले में बैठकर उड़ने से इनकार नहीं करता। कोई और लड़की होती तो यही काम शायद और अच्छे तरीके से करती। मैं डर कर भाग नहीं रही हूँ। अब बहुत हो गया नित्या, यही कंफर्ट जोन है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक टू यू सर?